May I have your attention, please? You are subscribed now to this YouTube channel and press the bell icon. So my friends, salute you here. सो माय फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये है पल्सर NS 150 CC और इसको हमने पूरी तरह से खोल रखा है। इसका हेड भी हमने यहाँ से खोला है, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो हेड हमने इधर से खोला है इसका। और हेड हमने क्यों खोला है, क्योंकि हमारे को चेन गाइड यहाँ से डालना था इसका। ये चेन गाइड का जो लॉक आता है वो इसमें आता है हेड में, ठीक है, उसके लिए हमारे को हेड खोलना पड़ा। और उसके बाद इसका हम टाइमिंग चेन रिप्लेस करेंगे, क्लच की पूरा असेंबली का अंदर का पार्ट्स जितना भी है वो नया डालेंगे। हमारे फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो इसमें क्लच का पार्ट्स है, टाइमिंग पैड्स है, हमारे फ्रेंड्स ये चेन टेंशनर है, इस प्रकार से लगाना था हमारे को चेन टेंशनर। अगला जो कस्टमर है उसको आप ये वीडियो दिखा सकते हो, बताओ चल गया ना। ये लो सुमन फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि जो बजाज की जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर ये बैलेंसर दिया जाता है, जिसके अंदर गाड़ी का जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बैलेंस का जो वेट है वो इसके अंदर आता है, ये बैलेंस वेट है। और इसका भी हम आप लोगों को इसी के अंदर इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं कि किस प्रकार से इसको सेट किया जाता है और किस प्रकार से इसका वर्क होता है और इसको पूरे को फिटिंग किस प्रकार से किया जाता है वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पता चल रहा है। सो माय फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट एंड तक देखिए और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में भी बताना कि क्या अच्छा लगा और लाइक भी। सो माय फ्रेंड्स, हेड के अंदर जितने भी पार्ट्स है वो हमारे को नए डालने में, जो भी हमने पार्ट्स परचेस करके लाए हैं वो सारे के सारे पार्ट्स हम इसके अंदर लगाएंगे और उसके बाद में हम इसका जो हेड है उसको कंप्लीट करने के बाद नीचे के क्लच के प्रोसेस पर निकलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे को हेड को कंप्लीट कर लेना होता है, क्योंकि हमने जो चेन गाइड था उसको डाल दिया है। चेन गाइड डालने के बाद हमारे को सारा फिटिंग असेंबलिंग करना होता है। ये प्लग के स्लीव का नट है माय फ्रेंड्स, इसको भी हमारे को कसना होता है एलन की से। और उसके बाद में जो टाइमिंग व्हील का नट है उसको भी हम अच्छा टाइट कर देते हैं। ये है माय फ्रेंड्स इसका बैलेंसर का टाइमिंग गियर और इसके ऊपर एक मार्क आता है जो कि आप लोग देख सकते हो, और वो मार्क है इसके साइड में जो कि कलर के नीचे आता है, ये रहा, ये है वो मार्क जो कि आप लोग नज़दीक से भी देख सकते हो। और इस मार्क को हमें किस प्रकार से मिलाना होता है वो आप लोगों को मैं भी बताता हूँ, क्योंकि जो सेकंड नंबर का बैलेंस गियर है उसके ऊपर भी एक मार्क आता है, उसके अनुसार हमारे को इन दोनों को अटैच करना होता है। जैसे रॉयल इनफील्ड में हमारे को टाइमिंग को सेटिंग करना होता है, उसी प्रकार से इसका भी टाइमिंग हमारे को सेटिंग करना होता है। कुछ इस प्रकार से तीनों गियर्स को एक करके फिर उसके बाद में सही ड्रम को फिटिंग करना होता है। लगा देते हैं ड्रम को, लगा दिया अपन ने ऐसा क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। वैसे ये जो क्लच है अभी अच्छी तरह से फिट हो चुका है और इसके अंदर हमने चारों नटों को कस दिया है और इस पूरे टाइट कर देने इन नट्स को, ठीक, प्रॉपरली। और उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, वो आप लोगों को दिखाएंगे। क्लच
सो माय फ्रेंड्स, हमने इस गाड़ी को तैयार कर दिया है, वो आप लोग देख सकते हो। और अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं। सो माय फ्रेंड्स, चालू हो चुकी है।